मुरादाबाद के मजोला थाना क्षेत्र स्थित लाइन पार में एक सनकी जेठ ने मंगलवार को खाना बनाते वक्त महिला की नाक काट दी। महिला के आरोप पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जेठ को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जख्मी महिला का इलाज क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मजोला थाना क्षेत्र स्थित चाऊ की बस्ती में रहने वाली पीड़िता लक्ष्मी का पति महानंदन रिक्शा चलाता है। वहीं खुद को साधु कहने वाला उसका बड़ा भाई कृपानंदन ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है। महानंदन ने बताया कि सोमवार की रात वह घर आया था। मंगलवार सुबह उसे किसी जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा था। उसने पत्नी से बड़े भाई के लिए खाना बनाने को कहा था, लेकिन घर से निकलने के कुछ देर बाद ही उसकी पत्नी का फोन आ गया और उसने जेठ की करतूत बताई। उसने बताया कि खाना बनाने के समय उसका भाई किचन में आ गया और अचानक धारदार हथियार से उसकी नाक पर वार कर दिया। यह सुनकर महानंदन आनन-फानन में घर लौटा। पीड़िता का सिविल लाइन निजी अस्पताल में भर्ती कर इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद का कहना है कि महिला के बयान पर आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आज क्या हुआ आपके साथ? हुआ कुछ नहीं था, और चप्पल उठा के लाए और काट दी ना। क्या हुई थी, कोई बात थी या बिला बात हमला करा? बिना बात के हमला कर दिया। क्या करते हैं वो? कुछ नहीं करते, बाबा जी मर गए। आपके घर पे कब आए थे वो? आज कल आए थे। आप ही क्या है? आप ही क्या रुके आके? आपके घर पे रुके थे आके? तांत्रिक विद्या के लिए कुछ कराया गया है? तांत्रिक विद्या करते थे क्या वो? नहीं तो पता नहीं, करते हैं। तंत्र मंत्र करते हैं? हाँ। आपके साथ भी कुछ तंत्र मंत्र के चक्कर में कुछ करा है? करा था एक बार। क्या करा था? माला पहनाई थी। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने गलती बात बोली। अच्छा, जब आप पे हमला किया तो आपके सब घर वाले कहाँ पे गए थे? ये तो पता नहीं कहाँ चले गए थे। और वो ही थे घर में, बच्चे दूध लेने भेज दिए थे मैंने। अच्छा। अकेली थी मैं। तो आपके अंदर कमरे में आ गए? हाँ। और शैतानी करने लगे? हाँ। फिर छुरी से ना हमला कर दिया? हाँ। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा महानंदन सर। क्या हुआ आज, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना क्या सर, मैं दिल्ली जा रहा था तो सुबह जो ट्रेन है ना, क्या नाम है, इंटरसिटी, मैंने टिकट मेरी जेब में पड़ा इस टाइम, तो ये रात भर रुका हुआ भाई हमारा, तो मैंने कही इससे मैंने कही चला जा, तो ये बोला चाय वाय पी के चला जाऊँगा, तो मैंने कि ठीक है चल कोई बात नहीं, मैंने इसे बच्चों से बोला मैंने चाय वाय दे दिए और ये चला जाएगा। मैं 3 देर में आकर टिकट लिया, टिकट लेने के बाद में जो है गाड़ी पर बैठने को ही जा रहा, इतनी देर में जो है इसने मेरे पास पड़ोसियों का फ़ोन आ गया, बोले तुम्हारे भाई ने तुम्हारी घरवाली की नाक काट दी। फिर मैं भाग के वहीं से ट्रेन पे से एकदम भाग के घर पहुंचा, फिर उसे कवर करा, फिर हॉस्पिटल ले गया, फिर वहां पे जो भर्ती करी, पहले ले गया सिविल लाइन में, सिविल लाइन में बस की ना हुई तो फिर वहां ले गया प्राइवेट। पहले भी तो गया था? हाँ, पहले जो है एक साल में आया है लौट के। अब ये क्या करते हैं? ये बस ऐसे ही महात्मा है, ऐसे ही जैसे चलते फिरते जैसे खा लिया। मैं इससे कहता हूँ मेरे घर मत आया कर, ठीक है, फिर भी ये ज़बरदस्ती आना चाहता है, तो मैं एक साल में आया, मैं तुम जानते ही हो कि मतलब जो है मैंने मना करने पे इसने हो सकता है उस चक्कर में काटी हूँ, बोले मेरा भाई। जादू टोने के लिए काटी है क्या? नहीं, जादू टोने के लिए नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं करता है ये, तो मुझे भी पता है। अघोरी जी का मतलब ये है, ये महात्मा बन गया है, तो महात्मा बन गया इसकी क्या पता क्या है, जन का हवस है ये, क्या है पता नहीं, भगवान जाने क्यों करता है ऐसा काम, भगवान जाने। इससे पहले भी किसी और के ऊपर हमला कर चुके हैं? इससे ऊपर इसके हुए होंगे झगड़े, उससे तो मुझे पता ही नहीं, क्या मैं अपने घर रहता हूँ, अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, और इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरे घर से तो बेदखल है, क्यों मेरे घर नहीं आता है। आपकी पत्नी की स्थिति कैसी है? स्थिति सर अभी तो सही है, दवाइयाँ वाइयाँ आ गई हैं, अब जो है लगवा रखी हैं और हो गई है, हाँ इलाज चल रहा, बस नाक अलग हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? अघोरी। बाबा आपने किसकी नाक काटी? कर रहे हो बाबा के, हम ठाकुर के शिष्य हैं। अच्छा, क्यों मारा, किस नाक क्यों काटी थी? है ठाकुर अघोरी बाबा, उनने कही
तो हम कितने वर्षों से जादू टोने का काम कर रहे हैं आप? हमारे बाप दादा में जादू टोना नहीं करा करता, अच्छा, करते थे मेहनत करके। ये तुम्हारी कौन थी वो है? तुम्हारी कौन थी वो? लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी हमारी भौजाई है। अच्छा तो क्या मिलता हासिल उसको नाक काट के, क्या हासिल हुआ? तो वो क्या हासिल था? लक्ष्मी से पूछिए। ये सुबह 6:30 बजे एक सूचना आई थी कि एक महिला की नाक पे वार किया गया है। बाद में पता किया गया तो उसके जो देवर है कृपानंदन, उसके द्वारा कोई दूध को लेके आपस में विवाद हो गया, दूध देने को लेके। तो उस पर उसने आक्रोश में आके एक जो छुरी होती है, चाकू होता है, उससे उसकी नाक पे वार कर दिया। ये सुबह 6:30 बजे की घटना है। उस समय पति काम के लिए घर से बाहर था। और इसमें अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी कोई विवाद की बात सामने आई है? इससे पहले अभी तक कोई ऐसी कोई विवाद की बात सामने नहीं आई है। इसकी तफ्तीश की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आगे की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। महिला की स्थिति क्या है? महिला की स्थिति स्टेबल है, ठीक है। इस समय उसका फर्स्ट एड कराया जा चुका है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।